बिना परीक्षा प्रमोट को लेकर जब से अलग अलग न्यूज़ चैनल या न्यूज़ पेपर्स के थ्रू खबरें सामने आई हैं, उसके बाद लगातार स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स में देखने को मिल रहे हैं कि सर अगर प्रमोट किया जाता है तो हमें असाइनमेंट सबमिट करना अनिवार्य है या नहीं है, उस रिलेटेड क्वेरीज आ रही है। और जो पिछले साल के गाइडलाइन अकॉर्डिंग भी स्टूडेंट्स के बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, सर पिछले साल सर्टिफिकेट कोर्स, डिग्री या जो डिप्लोमा कोर्स थे, किन किन कोर्सों में प्रमोट किया गया, क्या क्या गाइडलाइन की प्रोसेसिंग थी, उसके बारे में बताइए, ताकि स्टूडेंट्स की यही आशा है कि अगर पिछले साल प्रमोट किया गया था तो इस साल भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो जितनी भी जितनी क्वेरीज हैं उन सबका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। उसके साथ ही जो वर्तमान में राजस्थान में जो एग्जाम्स को लेकर क्या अपडेशन चल रहे हैं, समिति की रिपोर्ट है, उसके बाद कल भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई, तो उसकी क्या अपडेशन है और क्या न्यूज़ अभी तक की सामने आ रही है, वो कंप्लीटली जो है सारे सॉल्यूशंस में आपके चर्चा आपके साथ करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड की सिचुएशन के कारण सभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम थे वो पोस्टपोन कर दी गई थी, और स्पेशली मैं असाइनमेंट वाली जो आपकी शंका है उसको मैं बिना समय गवाए आपके लिए उसका डिक्लेयर कंप्लीटली फाइनली कह देना चाहता हूं साथियों, कि असाइनमेंट है वो आपको किसी भी स्थिति में जमा करना है, जितने भी डिग्री कोर्सेज में है, चाहे वो एक वर्ष भी है या फिर जो भी है, उसमें अगर आपको प्रमोट भी किया जाता है तो असाइनमेंट एक ऐसा कार्य है, सत्रीय कार्य, जो आपको घर बैठे करना होता है। तो उसमें कहीं कोई कोविड की सिचुएशंस की कहीं कोई बहाने वाली बात ही नहीं है। आप वहाँ पर रीजनल सेंटर नहीं जाते हैं तो आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। तो आपको असाइनमेंट, तो अगर आपको प्रमोट भी किया जाता है तो भी आपको अपने असाइनमेंट है वो 31 जुलाई से पहले सबमिट करवाने हैं, अगर आपका जुलाई सेशन का एडमिशन है तो। अगर आपको जनवरी सेशन वाला एडमिशन है तो आपको 15 नवंबर से पहले जमा कराने, आपको भी जल्दबाजी नहीं करनी। अभी जिन जुलाई सेशन वाला जिनका एडमिशन है, दिसंबर तक लास्ट एडमिशन चले थे पिछले साल, तो उनको अभी जो असाइनमेंट है वो 31 जुलाई से पहले अगर के कोर्स पर लागू है तो आपको रीजनल सेंटर पहुंचा देना है। असाइनमेंट कैसे तैयार करना है, कैसा पेज, कैसा पेन, सारी जो कंप्लीट असाइनमेंट की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वो प्लेलिस्ट के आप 6-7 वीडियो वॉच कर लेंगे तो आप असाइनमेंट का काम इजीली आप खुद ही कर पाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अपने असाइनमेंट तैयार करके 31 जुलाई से पहले अपने जो भी है स्पीड पोस्ट है या फिर आप बाई हैंड भी पहुंचा सकते हैं अगर नजदीक हैं, तो अपने रीजनल सेंटर पर पहुंचा दीजिए। असाइनमेंट किसी भी स्थिति में सबमिट करने हैं, चाहे प्रमोट किया जाता है या नहीं किया जाता है वो बात की बात है, असाइनमेंट एक कंपलसरी है, उसको जमा करना ही होगा आपको। दूसरी बात, जो अलग अलग कोर्स में सामने आ रही है कि सर पिछले साल एडिशनल वालों को प्रमोट किया गया था या नहीं किया गया था, तो एडिशनल में भी साथियों पिछले साल किसी को भी प्रमोट नहीं किया गया था। जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो पेपर बाकी थे वो उनके फरवरी मार्च में करवाए गए थे पिछले साल एडिशनल वालों के, फाइनल वालों के एग्जाम्स तो उसी टाइम लग गए थे उनके, और बाकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम बाद में लगे थे, सारे एडिशनल जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे। वहीं जो एक वर्षीय डिप्लोमा है, बीएलएस है, जितने भी एक वर्षीय डिप्लोमा है, डिग्री कोर्स है, उसमें किसी में प्रमोट संबंधी कहीं कोई नहीं किया गया था पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो। वर्तमान साल इस साल की क्या गाइडलाइन आती है वो समय के साथ पता लगेगा, लेकिन जो डिप्लोमा वगैरह जो भी एक साल के कोर्सेज है उनमें प्रमोट की कहीं कोई संभावना नजर नहीं आती है। तो आपको अपनी जो है तैयारी लगातार जारी रखनी है साथियों उसमें, क्योंकि एक साल कोर्स में अगर सीधा प्रमोट किया जाएगा तो उस डिग्री की जो डिग्री या डिप्लोमा की उपाध्यायता नहीं रह पाती है, क्योंकि उसमें अगर दूसरे साल भी अगर होगा तो फिर उसका जाँच या अंकन कर लिया जाए कुछ फॉर्मूला बनाकर। लेकिन अगर एक साल का कोर्स है तो उसमें प्रमोट की कहीं कोई संभावना नहीं है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है एक एक वर्ष के और डिग्री है, उनमें कहीं कोई प्रमोट की संभावना नहीं है। दूसरी बात, जो जितने फर्स्ट ईयर वालों और सेकंड ईयर वालों को प्रमोट किया गया था तो वो सभी आप सभी को जानकारी है, और इसके अकॉर्डिंग जो इस साल की जो गाइडलाइन आएगी वो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल पाएगा। बाकी पिछले साल की गाइडलाइन की जो बात थी वो मैंने आपके सामने रख दी। एक जो लगातार जो कमेंट्स में देखने को मिल रहा है कि सर जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या स्टेटस चल रहा है, तो साथियों जो समिति की रिपोर्ट थी वो आ चुकी थी, कल भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी भंवर सिंह जी भाटी और, तो आज के जो न्यूज़पेपर में भी एक खबर आपको देखने को मिल रही होगी, आप देख पा रहे होंगे साइड में। तो जो भी है साथियों, जो राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ सबकी मैं बता रहा हूं, जुलाई तक उनके एग्जाम्स की बात सामने आ रही है। वहीं जो उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं नारायण सिंह जी, उनकी तरफ से भी जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि यूजीसी से एक बार राय मशवरा मांगा गया कि उनकी जो कोविड के कारण जो एग्जाम नहीं हो सके थे उस संबंधी कोई गाइडलाइन जारी की जाएगी, अगर नहीं की जाएगी तो फिर स्टेट अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेगा। तो यहां पर इसलिए मान सकते हैं मोस्टली जो यूजीसी से राय मशवरा मांगा गया है तो 3-4 दिन जो भी है, जैसे स्थिति के जो वहाँ से रिप्लाई आता है उसके बाद जो गवर्नमेंट होगी वो सीएम की अध्यक्षता में जो कमेटी होगा वो डिसीजन आपके सामने आ जाएगा। लगभग अगर हम मेंशनली जो अपडेशन की बात करें, जो सिचुएशंस बनी है, फर्स्ट ईयर वालों के एग्जाम्स लगभग प्रमोट की बात सामने आ रही है, लगभग कह सकते हैं अपन, फाइनली नहीं, लगभग जो प्रमोट होंगे वो। उसके बाद अगर जो सेकंड ईयर वालों के लिए, जो पिछले साल जो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट होकर आए उनके लिए एग्जाम्स की क्या प्रोसेसिंग, क्या स्टैंड बाय लिया जाता, मल्टीपल एग्जाम्स की बात सामने आई कुछ दिन पहले तक, तो वो जो भी जो होगा फाइनली पता। बाकी फाइनल वालों के जितने भी हैं, फाइनल वाले और एक वर्षीय डिप्लोमा है, जो भी सर्टिफिकेट है, उन सब के एग्जाम्स लगेंगे, वो चाहे लेट ही लोगों। अगर हम दूसरे यूनिवर्सिटीज की सबकी बात करें तो जुलाई तक एग्जाम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर वीएमयू कोटा के जो की एग्जाम्स की बात करते हैं तो साथियों अभी जो फरवरी मार्च में एग्जाम्स हुए उनके ही रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए गए, तो पहले उनके रिजल्ट आएंगे, उसके बाद फिर डिफॉल्टर वाले फॉर्म भरवाए जाएंगे, उसके बाद ही एग्जाम्स की प्रोसीजर। तो मतलब फास्टली अगर हम देखते हैं तो भी अगस्त लास्ट या सितंबर तक एग्जाम्स
आपको देखने को मिलेंगे वीएमयू कोटा के अकॉर्डिंग। बाकी दूसरी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं रेगुलर वाली, तो उनके अकॉर्डिंग जुलाई तक एग्जाम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो सरकार की तरफ से स्टैंड बाई जो लगातार खबरें सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग। और वहीं अगर वीएमयू कोटा वापस एक ओपन यूनिवर्सिटी है, तो उनकी जो है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की सबकी जो भी है गाइडलाइन जारी होगी उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से। उसके बाद वीएमयू वापस ओपन यूनिवर्सिटी है, जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के जो भी है जो मानक मापदंड होंगे, निर्देश होंगे, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले जाता है। तो अपना कुछ समय और वीएमयू कोटा के लिए स्पेशली कुछ और ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि अभी तो पिछले साल के रिजल्ट वगैरह भी बाकी हैं, इसलिए समय लगना स्वाभाविक है। तो साथियों, ये कुछ जो एग्जाम्स को लेकर जो आपकी अलग अलग शंकाएं थी वो सारी मैंने आपको अपडेशन दे दी। वहीं जो डिप्लोमा कोर्स हैं और जितने भी जो भी हैं अभी अपने आपको स्टडी अगर सतत रखना चाहते हैं, तो अगर आपको बुक्स पहुंच गई है तो आप स्टूडेंट बनने पे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक्स नहीं पहुंच पाए और आप हेल्पिंग मटेरियल के रूप में अगर आजाद बनवीक सीरीज का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपको मैं अपने पब्लिकेशन हेल्पलाइन नंबर आप शो हो रहे होंगे, तो उसके थ्रू अपने जो है वन वीक मंगवा कर आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, ताकि एग्जाम सुटेबल मटेरियल आप अच्छे से तैयार कर सकें और आप एग्जाम जो आपकी आपका डिप्लोमा या डिग्री है उसमें आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। तो उसके लिए मैं आपको अपने हेल्पलाइन नंबर दे दूंगा, तो उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो आपको श्योर रिप्लाई मिलेगा। वहीं आपके राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय पर उपलब्ध है, और अगर आपको उपलब्ध नहीं हो पाती तो पब्लिकेशंस की तरफ से बाय कुरियर या बाय पोस्ट भी आपके घर आपके पास तक पहुंचाई जाती है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थे लगातार सर्टिफिकेट डिप्लोमा वाले कोर्सेज की, और जो असाइनमेंट वाले जो भी बातें सामने आ रही थी, तो कुछ डिस्कशन की। चैनल के बारे में अपने विचार कमेंट कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।